खेडूत मित्रों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र जाट इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड IIL ट्रैक्टर प्लांट की ओर से आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं इस वीडियो के माध्यम से। खेडूत मित्रों, आज हम एक आपके लिए बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण आपके लिए एक सलाह के रूप में एक वीडियो बनाया है, जिसमें हम देख रहे हैं और अब जो हमारा खरीफ का सीजन लगभग स्टार्ट हो चुका है, आज हम इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड का एक नया प्रोडक्ट का आया है, पिछले साल मार्केट में लॉन्च हो चुका है, किसानों ने बहुत सारा यूज़ भी किया है, लेकिन इस वीडियो का बनाने का मुख्य उद्देश्य जो किसान अभी तक इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं मिली है, तो उन्हें हमारी ओर से इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे रहे हैं। तो हरकुलस एक प्रोडक्ट है, डाइफेंथेरोन प्लस एसीटामिन, ये किस फसल पे छिड़काव कर सकते हैं, किस किस कीट को ये नियंत्रण कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात करें कपास की। कपास में सबसे ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचाती है हमारी फसल को, तो वो है सफ़ेद मक्खी, जिसे वाइट फ्लाई बोलते हैं। वाइट फ्लाई ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर जाती है फसल को, और किसान जब तक उसको समझता है तब तक वो नुकसान बहुत अधिक मात्रा में कर देती है। तो हरकुलस कैसे काम करता है, कितना बेटर रिजल्ट इसका मिलेगा, कोई भी दवा मार्केट में आती है तो उसका एक काम करने का तरीका अलग अलग होता है। हरकुलस जो काम करता है पौधे पे पांच प्रकार से काम करना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले कॉन्टैक्ट के रूप में, सेकंड सिस्टमेटिक के रूप में, थर्ड अपना स्टोमच के रूप में, फोर्थ ट्रांसलेमिनर के रूप में, और फाइव फाइटोटोनिक इफेक्ट दर्शाता है। आज हमें ज़रूरत है कि हमारी फसल कीट को, हमारी जो प्रोडक्ट है वो तो कीट को तो नियंत्रण करे लेकिन हमारी फसल को भी तंदुरुस्त रखे। इसके लिए हम हरकुलस जो प्रोडक्ट हमारा जो है IIL का, वो सफ़ेद मक्खी के ऊपर और जैसे और एफिड इनके ऊपर कंट्रोल करता है। इसके बाद में हमारा देखा जाता है हमारी कपास जो फसल होती है, इसके बाद में देखा जाए तो मिर्ची में भी वाइट फ्लाई का काफ़ी ज़्यादा अटैक होता है, कपास में भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अटैक होता है। और वाइट फ्लाई का जो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, कौन सी स्टेज नुकसान करती है, तो वो निम्फ जो अवस्था होती है वो सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। उस समय किसानों को निम्फ दिखाई नहीं देता है, दिखाई कब देता है, जब वो एडल्ट में परिवर्तन होता है तब किसानों को सफ़ेद मक्खी दिखाई देती है। लेकिन किसान साथी ध्यान से सुनिए, एडल्ट उतना नुकसान नहीं करता है जितना निम्फ करता है। तो हरकुलस वाइट फ्लाई की लाइफ साइकिल पर कैसे कंट्रोल करता है, तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। हरकुलस सबसे पहले कंट्रोल करेगा, अंडा यदि लीफ पे दिया है पान के नीचे तो उसको कंट्रोल कर देगा, उसको डैमेज करेगा अंडे को। यदि मान लो अंडे से निम्फ निकल गया है तो उस निम्फ को भी मारने का काम हरकुलस करता है। मान लो निम्फ से हमें जो उड़ती हुई सफ़ेद मक्खी दिखाई देती है तो उसको भी मारने का काम करता है। इसके बाद में एक सबसे बड़ी जो बात है हरकुलस में, अंडे देने का काम हमेशा मादा करती है। तो हरकुलस जो है सफ़ेद मक्खी की मादा की प्रजनन क्षमता को रोक देता है, जिससे आने वाली जनरेशन को नहीं बढ़ने दिया जाता है। अर्थात सीधी सीधी बात में करूं तो सफ़ेद मक्खी की जो मादा है वो अंडा देना बंद कर देती है। अब बात होती है कि कितने लंबे समय तक इसका रिजल्ट मिलता है, तो इसका जो रिजल्ट है लगभग 15 से 20 दिन का रिजल्ट इसका मिलता है। दूसरी बात मैं बात करूं, यदि आप हरकुलस का स्प्रे, सफ़ेद मक्खी है चाहे कितनी भी सफ़ेद मक्खी का अटैक हो, आप हरकुलस का यदि स्प्रे कर रहे हैं, आज आपने स्प्रे किया तो कल सुबह आप अपने खेत में ज़रूर देखिए, आपको सफ़ेद मक्खी उड़ती हुई नज़र नहीं आएगी। हरकुलस अंडे पे काम कर रहा है, निम्फ पे काम कर रहा है, एडल्ट पे भी काम कर रहा है, इसलिए पूरी लाइफ साइकिल को यह कंट्रोल कर देता है। इसके बाद में ये प्रकाश पौधे को अधिक हरा करता है,
अधिक हरे से पौधे की ग्रोथ होती है वो कंटिन्यूस चालू रहती है, फूलों की संख्या अधिक आती है, बल्ब बड़े बनते हैं, क्योंकि पौधा जब हरा रहेगा तो भोजन की मात्रा सूर्य प्रकाश की